नेपाल बनाया था ना, जो नेपाल का निर्माता है हमारे राष्ट्रपिता ये पृथ्वीनारायण शाह, आप देख सकते हैं। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, उदयन ब्लग्सको तर्फबाट आशा गर्छु तपाईँहरूलाई सन्चो छ होला। मलाई अलिकति सन्चो छैन है। सो गाइजहरू, धेरै दिन भयो मैले ब्लग नदिएको। सो आज हल्का राइड गरेर आउनु भनेर सन्चो पनि छैन है त्यति। सो नर्मली ओइ पुगो। सो गाइज, मैं बाहर जाके बात करता हूँ आप लोगों को, अच्छी सी जगह पे घुमाने लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। सो तबीयत भी ठीक नहीं है, सो लेट्स गो, चलते हैं, छोटा सा राइड, पानी पड़ने वाला है। सो गाइज, हालांकि अभी मेरा वॉइस भी ठीक नहीं है, ठीक है। सो बाइक भी उतना नहीं चलाया है, अभी 8 दिन हो गया। सो अभी उठा हूँ मैं, 2-3 दिन हो गया उठा। सो अभी बारिश भी पड़ने वाली है। सो आप लोगों को भक्तपुर का बहुत अच्छा जगह दिखाने का मन तो है मेरे को। सो आज तो फिलहाल मेरे को राइड का मन हो रहा है। सो अभी घर वाले भी बोल रहे थे कि बारिश होने वाली है, अभी उठा है, किधर जा रहे हो, बोल रहा था। मेरे को जी बारिश में नगरकोट जाने को बहुत दिल करता है। क्या मेरा प्राय वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पहले नेपाली में था वो, सभी में मैं नगरकोट जाता हूँ, ठीक है। सो आई लव नगरकोट। हालांकि मैं जाते के टाइम में बारिश उतना नहीं होता है, लेकिन हो गया तो बहुत अच्छा। आज तो बारिश होने वाली है। आप लोग भक्तपुर आओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, इधर से भी जा सकते हैं आप लोग। जो राजा का महल है ना, उधर जा सकते हो, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। मेरा नेपाली में बना हुआ व्लॉग भी है, सो आप लोग देख सकते हो। बाइक भी कितना दिन से नहीं चलाया ना, इसलिए कैसे कैसे फील हो रहा है मेरे को। थोड़ी हवा की कमी है, हवा डाल के जाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, वापस आके डालेंगे। तो पेट्रोल तो पहले डालना पड़ेगा, इसको पेट्रोल नहीं है। सो पेट्रोल डालते हैं पहले जाके। सो आप लोग नगरकोट है ना, बहुत बढ़िया जगह है। आप लोग जब इंडिया से आओगे तो एक बार बहुत अच्छी तरह से घूमना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्लेस है हमारा नगरकोट। हालांकि प्रभजोत भाई भी आए हुए हैं इधर, ठीक है। जत प्रभजोत भाई। सो बहुत ही ब्यूटीफुल नगर है हमारा भक्तपुर, ठीक है। फिर से तबीयत खराब हो गई तो फिर से सोना पड़ेगा मेरे को। अभी खड़ा हुआ हूँ मैं, 2-3 दिन हो गया। सो एक भाई भी पूछ रहा था कि कब आएगा, दूसरा ब्लॉग बोल रहा था। अब तो मैं खुद अपने लिए जा रहा हूँ। जब भी मेरे को दिक्कत आती है या कोई डिमोटिवेट हो जाता है तो मैं शॉर्ट राइड ले जाता हूँ, एक जंगल का राइड होता है। सो नगरकोट बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ से ज़्यादा नहीं, हम लोगों को कितना जाना पड़ेगा, हम लोगों के यहाँ से 2 रास्ते हैं, 1 से 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर, 1 से पड़ेगा हमको 23 किलोमीटर। सो हम लोग शॉर्टकट लेते हैं, ठीक है, चिल करके हवा खा के आते हैं। अभी तो शॉर्ट राइड ही दूंगा यही सोच रहा हूँ, जब तक मोनेटाइज ना हो जाए मेरा चैनल। जब आप लोगों का प्यार मिलेगा, थोड़ा पैसा कमा लूँ, सो लॉन्ग राइड करेंगे, ठीक है, एक सीरीज की तरह करेंगे, वही सोच रहा हूँ। अभी तो छोटा मोटा यही टाइप का ब्लॉग दे रहा हूँ। सो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए मेरे को। सो अभी तो राइड का मज़ा लेते हैं, ठीक है। ऊपर जाके तेल डालते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो बिना तेल के तो नहीं जाना चाहिए ना भाई। तो पहुंच तो गए, फिर बाद में पता चल गया कि हम लोग वापस आए ही नहीं, क्यों, तेल ख़त्म हो गया, उधर हो गया, ठीक है। मेरे को एक जंगल का राइड लेने को बनता है एक रिफ्रेश के लिए। तो तेल इधर से डालेंगे, जाएंगे इधर से। तेल डलवा डाला। सो अब निकलने वाले हैं, ठीक है। अभी मेरे को मास्क है ना, मास्क एक बार लगाने का दिल कर रहा था, तो लगाऊं या ना लगाऊं हो रहा था, लगा लेता हूं अभी तो उठाऊं ना, बाद में कुछ हो गया तो फिर घर वाले गाली करेंगे ना, ठीक है। पसीना पसीना छूट रहा है अभी तो ऐसे जाएंगे तो अपना भी छुट्टी हो गया ना, ठीक है ना। अभी दिख रहे हैं आप लोग पसीना पसीना हो रहा है कि थोड़ी राइड किया है, ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं अभी।
सो अभी 2:27 गया है, 27 मिनट, 2:27। तो हम लोग जाने वाले हैं किधर, नगर कोट। आप लोगों को बहुत ही छोटा रास्ता पड़ेगा, ऊपर से भी जा सकते हैं, वो 23 किलोमीटर का रास्ता है। ये राइड करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि अकेले लॉन्ग टूर अभी नहीं जा सकता हूँ ना अभी, तो हालांकि तबीयत भी ख़राब नहीं है अभी, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जो लॉन्ग राइड कर सकूँ मैं, ठीक है। सो शॉर्ट शॉर्ट ही राइड देता हूँ मैं। सो लोग बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम नगर कोट क्यों जाते हो भाई, बोलते हैं। सो इधर जाम भी नहीं रहता है, बहुत बढ़िया वेदर भी रहता है ना। सो बहुत बड़े व्यू भी दिखता है इधर से, और आप लोगों से बातें करने में बहुत अच्छा भी लगता है। और आप लोग आओगे तो इधर घूमने में इंटरेस्ट जगाओगे ना, बाद में आएंगे ये जगह देखेंगे, आप लोग भी बोलेंगे ब्यूटीफुल है एक दिन घूमने के लिए, ठीक है। आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो काठमांडू में आइए, कोटेश्वर में आइए, पाटन घूमिए, काठमांडू घूमिए, उसके बाद भक्तपुर भी एक डेस्टिनेशन है आप लोग एक दिन बैठने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है। नहीं तो सुबह आइए, सुबह आके पहले भक्तपुर डरवा स्क्वायर वगैरह घूम लीजिएगा, जो राजा का रहने वाला जगह होता है ना, तो हम लोग लैकुली बोलते हैं, आप लोग राजदरबार बोलते हैं। तो ऐसा है हमारा भक्तपुर, काठमांडू, ललितपुर, तीनों जगह भी है। तो उधर आइए, घूमिए, घूमने के बाद कहाँ से नगरकोट जाएंगे बोलेंगे, नगरकोट का बस पकड़ेगा तो आप लोग को 1 से 2 घंटा लगेंगे। सो बाइक में जाएंगे तो ऐसे 15-20 मिनट, आधा घंटे में आप लोग पहुँच जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि पानी पड़ेगा ऊपर, अभी मौसम तो ऐसा ख़राब हो रहा था, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, जब भी मैं नगरकोट जाता हूँ उतना बारिश नहीं होता है। आप लोग को आज मैं ऊपर नगरकोट का जो व्यू टावर है ना, उधर तक लेके जाने वाला हूँ। सो डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, इधर से भी जाएंगे तो मिलता है, और वो बड़ी बड़ी से रास्ते से जाएंगे तब भी मिलता है, ठीक है। गाड़ी किधर से जाता है, दोनों जगह से जाता होगा, ठीक है। नगरकोट इधर से तो शॉर्ट पड़ता है, आप लोगों को रास्ता थोड़ा शॉर्ट है। सो हालांकि ये रास्ता सभी बन चुका है अभी, सो दिक्कत उतना नहीं होगा। सो मेरे को भी राइड की बहुत खुशी हो रही थी, इतने दिनों से बाइक ही नहीं चलाया था मैं, यू नो एक राइडर के लिए ना वो बाइक ना चलाने वाले फीलिंग है ना। बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बस्ती आ जाता है तो हम लोगों को स्पीड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग इधर पे बहुत खेलते रहते हैं ना, ठीक है। देख के चलाना चाहिए इधर, बहुत ही बढ़िया रोड बनाया रखा है इधर यार, अभी तो आने में बहुत मज़ा आ रहा है। बढ़िया जगह यार, अभी इसका है ना एक दिक्कत हो रहा था, पिछली बार मैं घूमने गया था ना, ये लीवर निकल के रख दिया था किसी ने। सो ये छूट रहा है कि नहीं है एक बार देखना चाहता हूँ, दोस्तों ने बोला कि ये लॉक हो जाता है इधर। सो अभी लॉक ही हुआ है, तो गिरा दिया था क्या, मेरे को दिखाने भी जाना है अभी, वापस आके मैं दिखाने जाऊँगा, ठीक है, बारिश नहीं हुई तो। तो आप लोगों को ये जगह कैसा लग रहा है, तो अभी तो बहुत ही बढ़िया सीन देखेगा इधर। जो ये नगरकोट है ना, ये मेरे मालूम नहीं, ये मेरे एक कहानी से जुड़ा हुआ है, कभी मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा ये मालूम नहीं है, ठीक है। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने आप को है ना, क्या बोलता है उसको, थोड़ा एनर्जी मिल जाता है मेरे को, जब भी मेरे को मूड ऑफ हो जाता है मैं वैसे ही आ जाता हूँ, बिना कैमरे के आ जाता हूँ, मैं राइड करता रहता हूँ क्या इधर, मुझे बहुत हरियाली बहुत पसंद है क्या। शादी हो रही है किसी की या कुछ फंक्शन चल रहा होगा, ठीक है।
अबे किसमें क्या लग गया यार, खैर खैर करता है। ये किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है यार। लोगों की जान की पड़ी नहीं है इन लोगों की, ठीक है। तो अपने रास्ता चाहिए चलना चाहिए, ठीक है, दूसरे को तकलीफ ना हो, क्योंकि रास्ता भी छोटा है ना, है कि नहीं। अभी वो गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता तो मैं तो निकल जाता ना यार। इधर मकई फलने लगा है, क्या बोलते हैं उसको, भुट्टा, भुट्टा आप लोग भुट्टे बोलते हैं ना क्या, एक मकई छोड़ के खाते हैं क्या? बहुत फ्रेश लग रहा है, ऊपर से देखेगा तो मारेगा, ठीक है। जैसे चोर चोरने के बाद नहीं करना चाहिए, हम लोग को चुरा के कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पूछ के खाना चाहिए। जो आदमी मिलेगा तो एक खा लूँ, आंटी अंकल कोई भी मिल गया तो, ठीक है। सो प्यार से बोलेंगे तो देंगे वो लोग भी, नहीं तो बोलेगा कि पैसे दे तो क्या बात है, ठीक है। टेंग में वो कच्चा खाने में भी मीठा होगा क्या, वो दूध दूध वाला मक्की बोलते हैं हम लोग। बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ गाइज, जितना जितना हाइट पे आ रहा हूँ ना, तो बढ़िया व्यू भी दिखने लगा है उधर मेरे को। पहाड़े पहाड़े दिखती हैं इधर से, पहाड़े हालांकि मेरे घर से भी दिखती हैं, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं दिखती। जो ऊंचाई से दिखने का मज़ा है ना, बिल्कुल ही कुछ और है, ठीक है। तो मैं ऊँचाई पर बैठ के पहाड़ दिखता हूँ ना, तो मेरा दिल पता नहीं ऐसे ही खुश हो जाता है। लोग बोलते हैं कितना जाते हो, कितना जाते हो बोलते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आता हूँ, ठीक है। इधर एक राइड बन गया तो मूड बन जाता है मेरा, तो मैं फ्रेश भी करता हूँ, सो आई फील बेटर। क्या जो लफड़ा तो नहीं हुआ है ना, इधर शादी के शादी वगैरह हुआ है अभी। सो रोड पे फोटो सेशन चल रही है इधर अभी, अभी गांव घर में ऐसे ही है, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, यही है खुशी, ठीक है, किसी की शादी की खुशी में है ना। वो बारात में जो हम भी जाते हैं तो ऐसा फ़ोटो वोटो कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है, यादें होती हैं। हम इधर गए थे लेकिन जगह भी खूबसूरत है ना। इधर तो क्या बोलते हैं उसको, पेड़ भी गिरा पड़ा हुआ है छोटा सा, तो बहुत बढ़िया जंगल है, ठीक है। जंगल का व्यू तो मस्त दिखता है हमारे आर्मी सर लोग, जो इधर ट्रेनिंग के लिए होता है। हमारे देश का गोरखा वीर गोरखाड़ी, यू नो वीर गोरखाड़ी, ऐसा बोलते हैं ना। कोई भी आदमी अगर बोलता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है ना, या तो कहते हैं कि या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है, या तो गोरखा है, नेपाली है, ठीक है। सो आदि पुरुष का क्या लफड़ा चल रहा था ना, वो आदि पुरुष देखने के लिए सोच रहा था मैं, लेकिन क्या हमारा बालिन सर ने ना वो फिल्म बैन करा दिया काठमांडू में। सो सही भी है, ठीक है। हमारा जो जानकी माता है ना, जो नेपाल का है, तो फिल्म मेकर थे, जो राइटर थे, वो बोले कि मनोज सर, क्या उसका नाम मनोज मंतोसर सर ने बोला है कि नेपाल तो भाई भाई है, कोई गिलवा शिकवा नहीं है, लेकिन जितने सन कितने कितने में जब भारत से अलग हुआ बोला था, लेकिन वो नहीं है। हमारा इतिहास पलटा के देखो, जब आपका भारतीय वर्ष नहीं था ना, जो ब्रिटिश एम्पायर था, तब भी हमारा नेपाल था, क्योंकि हमारा नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ है, किसी के देश के साथ जुड़ा नहीं है। हमारा नेपाल नेपाल अलग नेपाल है, स्वतंत्र है पहले से। हम लोग नेपाली का ये पहचान है, आप लोग को प्यार देना चाहिए, ठीक है। जो बोले कि वो भारत का एक हिस्सा था, जो उस टाइम भारत का ही हिस्सा था नेपाल बोला था, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको इतिहास में थोड़ा गड़बड़ी हो गई होगी, आपने इतिहास कहीं दूसरी जगह से पढ़ा होगा, लिखा होगा। सो हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो नेपाल एक अलग ही कंट्री से कंट्री है हमारा। सो हम लोग कभी भी भारत का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। हाँ हालांकि हमारा भाईचारा का संबंध है, रोटी बेटी का है, जो राम भगवान है ना, और जो हमारा सीता माँ जानकी माँ से शादी किया था। सो ये सब पहले के रामायण में भी है, जो पहले रामायण जो के टेलीविज़न में आता है ना, वो रामायण सीरियल, उसमें भी बताया गया है। सो प्लीज़, ठीक है,
प्यार देना, अच्छी तरह से मोहब्बत करना। हालांकि इंडिया में भी अभी विवाद चल रहा है, ठीक है, डायलेक्ट की वजह से, वो अपनी जगह है। सो हम लोग तो ये नहीं कहना चाहते हैं, सीता माँ हमारे नेपाल से है, ठीक है। सो यहाँ का सब उड़ा दिया क्या, खाली कर दिया है इधर तो, ये रोटी वोटी का लिए था, सब खाली हो गया इधर तो, बस्ती उड़ गया है। तो अभी नगर पालिका ने उठा दिया लगता है। तो सब खाली खाली कर दिया है इधर, अभी उठा दिया लगता है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, नगरकोट का ब्यूटीफुल जगह है ये। तो इधर से बढ़िया व्यू मिलता है। तो अभी तो बारिश का टाइम है तो नहीं देखेगा, नहीं तो ये जगह, ठीक है ना, आप लोगों को इधर से देखने को मिलेगा हिमालयन रेंज व्यूज ऑफ नगरकोट, ठीक है, 1.975 मीटर। किधर क्या क्या मिलता है, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, गौरी शंकर, ठीक है, अन्नपूर्णा, ये सब कंचनजंगा इधर से देखने को मिलता है। सो बढ़िया जगह है, ऊपर चलते हैं। सो बढ़िया से व्यू मिल रहा है इधर आए, ठीक है, अभी खाली हो जाएगा तो ऊपर जाके देखेंगे। सो इधर बहुत बढ़िया मज़ा आता है। सो आप लोगों को नगरकोट कैसा लग रहा है? सो अभी देखो बादल लगा हुआ है ना, सो इसीलिए बादल लगने की वजह से हिमालय नहीं देखेगा, लेकिन ऊपर से बहुत बढ़िया व्यू दिखता है इधर से। इधर का स्पेशल जगह है, मेरे को जब भी मन थोड़ा शांति हो जाता है मैं चला आता हूँ। सो रुकते हैं थोड़ी देर, ठीक है, सो वेट करते हैं, लेट्स वेट। सो पहले से थोड़ा अच्छा दिखने लगा है इधर। सो पहले तो इधर सब फोर हुआ करता था, ठीक है, मैं वेटिंग पे हूँ, ऊपर खाली हो जाएगा तो चढ़ने के लिए, सो दृश्य दिखाने के लिए। सो अभी भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सो रुकते हैं थोड़ा देर, ठीक है, सबको जाने देते हैं। सो अभी मेरे को कोई जल्दी नहीं, मैं फ्रेश होने के लिए आया हूँ, सो थोड़ा रुक के चिल करके जाते हैं। सो मेरे लिए भी बहुत फ्रेश हवा चल रही है, सो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी अच्छी सी आ गई, चमक सी आ गई है मेरे चेहरे पे, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा बुरा हाल हुआ था 2-3 दिन पहले, अभी भी ठीक तरह से तो वेल नहीं हुआ हूँ। खांसी थोड़ी है, जुकाम अभी फ्रेश लग रहा है। सो देखते हैं जब जाके ठाँव ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं थोड़ा सीन। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा व्यू का, बहुत बढ़िया नगरकोट है आप लोगों को दिखा दिया, बाद में आप लोगों को भक्तपुर दिखाएंगे। जो आप लोग नेपाल घूमने आएंगे तो भक्तपुर भी बहुत अच्छा प्लेस है, नगरकोट भी, ठीक है। इधर से बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू देखते हैं, हिमालय देखते हैं, इधर से 10-10 हिमालय इधर से दिखता है, अभी तो नहीं दिखेगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है, सुंदर सा प्लेस। हामी निस्किनुपर्छ यहाँबाट है, सो धेरै बस्नु हुँदैन, सो लेट्स गो। बहुत ही मस्त का जगह है, हम लोग इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग वापस इधर से जाएंगे क्या, तो थोड़ा लंग पड़ेगा इसलिए मैं शॉर्टकट ही जाना चाहता हूँ, सो नीचे से जाऊँगा, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे जो पृथ्वीनारायण शाह का शालिक है ना, वो मूर्ति, वो दिखाने के लिए लाया हूँ, जिसने नेपाल बनाया था, जो नेपाल का गर्व है, ठीक है, जो राष्ट्रपिता है हमारे, जो देश को बनाया था हमारे नेपाल को, जो एकीकृत बोलते हैं ना, एकजुट किया था, जो वो राजा का पहले से बचपन से सपना था कि वो नेपाल सिंगो राष्ट्र बनाए एक, ठीक है। सो उसने बनाया था, ठीक है, सो हम लोगों को तो उसको पूजा करना चाहिए क्योंकि हमारा राष्ट्रपिता है। सो अभी तो राजा नहीं है हमारे देश में। सो यहाँ पे पूरा आर्मी एरिया है, सो ऑफ कर देता हूँ अभी मूर्ति दिखाने दिया तो, हम लोग इधर वीडियो बना सकते हैं। सो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारा नेपाल जो जिसने बनाया था ना, वो है हमारा राजा पृथ्वीनारायण शाह, ठीक है।
हमारा नेपाल को जो एक बनाया था है ना, हमारा राष्ट्रपिता, हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं ठीक है। तो हमारे पृथ्वीनारायण शाह का शालिक रखा हुआ है इधर, पृथ्वीनारायण शाह तो हमारा राष्ट्रपिता है। तो हम एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ ठीक है, सल्यूट करना चाहता हूँ। सो कैसे करते हैं ठीक है, तो प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारा नेपाल बनाया गया था, जो नेपाल बनाया था ना, जो नेपाल का निर्माता है हमारा राष्ट्रपिता ये पृथ्वीनारायण शाह, आप देख सकते हैं ठीक है। उधर नेपाल का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया जगह है, आप लोगों को दिखा दिया। सो प्यार करती रहिएगा। सो बहुत दूसरा भी मैं इतिहास बताऊंगा, जगह लोग बताऊंगा। सो आप लोगों को भी घुमाने लेके जाऊंगा। सो आप लोगों को पता ही चल गया होगा नेपाल किसने बनाया। सो नेपाल बनाने वाला बड़ा हाथ, यही आदमी का सपना था, जो अभी जिंदा होता तो मर जाता यार नेपाल को हालत देख के ठीक है। लेकिन जो बनाया है सम्मान करना चाहिए, सो आदर करना चाहिए, जो इतिहास है ना। सो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। सो चलते हैं इधर से बात करते करते ठीक है। तो जिधर से आए थे उधर से जाएंगे। तो राष्ट्रपिता को डोगरी लिया, पहला एक गोरखा था ठीक है, गोरखा का राजा हुआ करता था पृथ्वीनारायण शाह। और वहाँ से इन्होंने सपना देखा था कि नेपाल को एकजुट बना के नेपाल बनाए ठीक है। तो तभी से लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो बहुत सी जगह पे कब्जा किया। हमारे भक्तपुर, काठमांडू, ललितपुर, कीर्तिपुर, जो नेवार का बस्ती था वहाँ पे अटैक करने के लिए थोड़ा संभव नहीं था। थोड़ा सा प्लान किया, थोड़ा जाल झेल किया, थोड़ा मित्रता दिखाए। तो ऐसा किया, कहीं पे दारू पिला के ठीक है। काठमांडू में जो चार पर्व होता है ना, जो त्यौहार चल रहा होता उस टाइम आके वार किया। तो कीर्तिपुर में थोड़ा, हालांकि थोड़ा ये राजा का छवि अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे है ना, ये राजा ने जब जीता था, तीसरी बार वार करके जीता था, तब वहाँ के लोगों को नाक काट दिया था। तो होते हैं ना जो गुस्से में जो कह जाता था। अब इसका स्टोरी पूरा नहीं पता है मेरे को, जो भी हो यार नेपाल बनाया है। तो कहीं जगह पे बुरा भी किया है ठीक है, अपना अपना इतिहास होगा, लेकिन बनाया तो नेपाल उसी ने था, जो नेपाली हूँ बोल के अभी जो भी गौरव करते हैं इसी राजा के बदौलत हैं। तो हम लोग को सम्मान करना चाहिए ठीक है, राष्ट्रपिता है, यही बोलना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता की जय, जय नेपाल, यही बोलना चाहता हूँ। तो भाइयों आप लोगों को कैसा लगा, इतिहास भी थोड़ा सुनाया मैंने ठीक है, आप लोगों को ऐसा ठंडी में लेके आया, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाया। अभी ज़्यादा लॉन्ग टूर करने के लिए वही तो पैसा चाहिए यार, पैसा नहीं है ना, एक गली ब्लॉगर हूँ यार, छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ ठीक है। आप लोगों को प्यार मिलेगा तो थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगा, तो मैं लॉन्ग राइड के लिए देखूँगा ठीक है। आप लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, आप लोग भी जगह दिखाइएगा, इंडिया भी आऊँगा, नेपाल में भी घूमेंगे, मिलजुल के प्रोवाइड करेंगे ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए ठीक है। तो मैं वापस जा रहा हूँ, तो बारिश होने वाली है अभी, अभी तो जल्दी जाना पड़ेगा। अभी कितना बज गया एक बार घड़ी देखते हैं ठीक है, अभी तो 4 बजने वाला है, 3:56 गया, 56 गया, तो 4 ही बजने वाले हैं, 4 मिनट बाकी हैं। तो निकलते हैं इधर से, घर पे जाते हैं ठीक है, और ये वीडियो एडिटिंग पे डालते हैं, कल को ये पब्लिश कर देते हैं। तो कहीं पे जाना होगा तो अभी तबीयत ठीक रहेगा तो कल को, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है तो, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं तो गर्मी भी फील हो रही है मेरे को अंदर से, ठीक तरह से अच्छा नहीं हुआ है। तो ये हमारा देश में जो पर्यटक होता है ना, तो उसका गाड़ी का नंबर प्लेट होता है ग्रीन और वाइट, जो पहुँचना होता है विदेशी, जो विदेश से घूमने आते हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किधर से भी आते हैं, वो लोग हमारा अतिथि होता है, अतिथि देवो भव। इसलिए मैं हॉर्न देके ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा छोटा वाला है ना, तो क्या होता है उसको, पतली सी जगह क्या बोलते हैं आप लोग। सो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसे लगा, सो आज इधर भी एंड करना चाहता हूँ। सो इधर से वापस जाते हुए वीडियो नहीं दूँगा, सो यही बोल के आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। सो आप लोगों को अच्छा लगा तो सपोर्ट कर देना, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्यार देती रहिएगा उदिन ब्लॉग्स को ठीक है। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ठीक है, भाई को प्यार करते रहिएगा। यही बोल के मैं अभी नेपाली में थोड़ा इन करना चाहता हूँ।
सो गाइजहरू आजको ब्लग कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, राम्रो लाग्यो भने सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यही भन्दै आजको ब्लग यहीँ गर्दैछु। राइड राइड सेफ, यो मन त हाम्रो नेपाली है गाइज।